हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे खेल और उनमें खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। एक तरफ इधर देखिए खेल के नाम लिखा हुआ है और इधर हम लोग जानेंगे खिलाड़ियों की संख्या, कौन से खेल में कितने खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैडमिंटन में दोस्तों एक या दो खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है गोल्फ के खेलों में कई खिलाड़ी एक साथ स्पर्धा कर सकते हैं, यानी कई खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। नेक्स्ट है पोलो के खेल में चार खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है लॉन टेनिस में एक या दो खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है चेस में दो खिलाड़ी होते हैं। अगला है दोस्तों खो खो में नौ खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है टेबल टेनिस खेल में एक या दो खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है कबड्डी में सात खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है बेसबॉल में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला है जिमनास्टिक में 8 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्नूकर में एक खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है टेनिस में एक या दो खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है बॉक्सिंग में दो खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है चेस में दो खिलाड़ी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है दोस्तों वाटर पोलो को खेलने के लिए 7 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है फुटसल में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है ताश में 2 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है लूडो के लिए 4 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। लास्ट है कॉकरेट में 13 या 15 खिलाड़ियों की ज़रूरत। ये रहा दोस्तों खेलों के नाम और खिलाड़ियों की संख्या। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।